डियर फ्रेंड्स ज्ञान गार्डन में आपका स्वागत है ज्ञान गार्डन रिकॉर्ड्स वार्म वेलकम वार्म ऑब्वियसली बिकॉज यू सी इट इज कोल्ड सीजन सो वार्म वेलकम टू ऑल आवर नेटिजन्स अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि भाई सिटीजन तो हम जानते थे ये नेटिजन क्या होता है तो सिटीजन के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं उसमें नेटजन भी एक वर्ड आता है एन ई टी आई जेड ई एन तो नेटिजन का अर्थ होता है वैसे लोग हु आर बिजी विथ इंटरनेट यू नो हु लव यूजिंग यू नो इंटरनेट ब्रास मंकी वेदर वर्ड इज़ यूज यू नो Uh, in a special circumstances when the cold is extremely you know frosty, extremely icy. So, I am donning this monkey cap, and that is why I have used the word brass monkey weather. So, let us form a sentence. Entire North India, you see, is uh, reeling under the brass monkey weather. Clear? Ab aye sentence. Uh, उस एपिसोड पे विचार करें और उससे भी कुछ सीखने का प्रयास करें जस्ट ए फ्यू डेज अ यू नो ए शॉकिंग इंसिडेंट टू प्लेस यू नो इन फ्लाइट एंड वन पैसेंजर पीड ऑन हिज को पैसेंजर इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इट वॉज़ या too shocking uh, you can say so this type of conduct is called egregious or egregious egregious e g r a z i o u s okay egregious refers to those conducts okay which are committed by which are committed by a person who you know डज़ इट नोइंगली इन वाइलेशन ऑफ लॉ आप जानते हैं कि ये गलत है फिर भी आप कुछ शॉकिंग और कुछ इमोरल चीज़ करते हैं तो इस तरह का जो आपका कंडक्ट है दैट कंडक्ट इज़ कॉल्ड इग्रीजस कंडक्ट ओके नाउ यह आपको न्यूज़ पेपर्स में पढ़ने को मिला होगा या सुनने को फिर मिला होगा मीडिया में कि वह जो आदमी था जिसने इस तरह का कंडक्ट किया ही वॉज़ इनकोहेरेंट मतलब ही वॉज यू नो इन ए बैडली ड्रंक इन स्टेट बहुत ज़्यादा जब कोई ड्रंक इन हो जाता है ठीक है वो क्या बोल रहा है बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा है हु हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर इज सेंसेस ओके तो उस तरह का जब स्टेट आता है उस तरह की जब अवस्था आती है तो दैट इज़ कॉल्ड यू नो इन और आप कह सकते हैं कि ही वॉज इन ओके एंड द को पैसेंजर हैड इस ब्रॉट दिस टू द नोटिस ऑफ द क्यू ओके अब आइए हम थोड़ा आगे एक एक्सप्रेशन uh, देखें टू गिव हर न्यू लीज ऑफ लाइफ ओके यह एक ईडियम है To give गिव new lease of life लाइफ uh, some people believe that this भारत जोड़ो यात्रा will give a new lease of life, okay, to कांग्रेस पार्टी टू द कांग्रेस पार्टी ओके एक नया जीवन दान इससे उनको मिलेगा ठीक है सो सम पीपुल बिलीव दैट दिस भारत यात्रा विल गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द कांग्रेस ओके नाउ यू सी बॉलीवुड इज प्लेइंग विद योर हारमोन्स ओके आई एम यू नो रिफरिंग टू पठान मूवी सो नाउ एड इज यू नो बॉलीवुड यू कैन से इज प्लेइंग विथ योर हारमोन्स तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई दिल से खेल रहा है कोई प्रकृति से खेल रहा है अभी जोशीमठ की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि पीपल आर प्लेइंग हैवक विथ नेचर नाउडीज एंड देट इज़ वाई आ, जो सीमट मठ लाइक ट्रेजडीज जैसा कि मैंने कहा ठंड बहुत ज़्यादा है मैंने भी अभी देखा अपने की मंकी कैप आ, आ, पहन रखा है तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं टू ऑफ द बाइटिंग कोल्ड टू ऑफ द बाइटिंग कोल्ड पीपल आर शिपिंग मसाला टी पीपल आर शिपिंग जिंजर टी और मसाला टी बहुत तरह के टी के वेरिएशन्स हैं चाय के तो टू वार्ड ऑफ टू वर्ड ऑफ़ मीन्स होता है किसी चीज़ को भगाने के लिए दूर रखने के लिए जैसे कोल्ड को भगाने के लिए ओके टू वार्ड ऑफ मॉस्किटोज मच्छर को भगाने के लिए ठीक है अब क्या करते हैं आप उस तरह का कुछ जो है रिपेलेंट वगैरह जलाते हैं ठीक है यूज़ करते हैं टू वर्ड ऑफ़ द बाइटिंग कोल्ड बाइटिंग कोल्ड को दूर रखने के लिए और भगाने के लिए पीपल आर शिपिंग मसाला टी बट बट दैट टू सिंस टू बी ए कोल्ड कम्फोर्ट तो यहाँ हमने दो चीज़ों को देखा एक तो टू वर्ड ऑफ मीन्स भगाने के लिए दूर रखने के लिए ठीक है और दूसरा कोल्ड कम्फोर्ट मतलब उससे भी कोई ख़ास फायदा नहीं हो रहा है कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें कंफर्ट नहीं है तो यह जो टी है मसाला टी यह भी अभी के समय में इतना ठंडक है कि दैट टू प्रूव्स टू बी अ कोल्ड कंफर्ट अब आइए हम एक एलिट्रेशन जिसे हिंदी में अनु प्रास अलंकार कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच एक इस तरह का देखें कि सेंटेंस सुनने में कभी कभी इससे अच्छा लगता है और कभी जब आप कुछ लिखते हैं तो अनायास इस तरह का कुछ जो है आपका डिक्शन बन जाता है और जिसमें ख़ास करके आ, हर लेटर मैंने अधिकांश लेटर हर तो नहीं कह सकते हैं अधिकांश लेटर किसी सेंटेंस के वो एक पर्टिकुलर अक्षर से शुरू होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में आपने देखा कि गुंडों का मनोबल दिल्ली में इतना बढ़ चुका है कि दे है वर्चुअली हाईजैक्ट आवर नेशनल कैपिटल तो उसके लिए एक सेंटेंस पर हम विचार करें रफियंस आर रूलिंग द रूस्ट इन दिल्ली रफियंस इन गुंडे रफियंस आर रूलिंग द रूस्ट इन दिल्ली मतलब दिल्ली में अधिकांश जगहों पर एक तरह से कहें तो पैरेलल गवर्नमेंट जैसा इन लोगों ने बना के रखा है गुंडों ने दे आर रूलिंग द रूस्ट तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है कि एक अपना प्रभुत्व जमा करके रखना उसी का जो है वर्चस्व होना तो आप कह सकते हैं कि रफियंस आर रूलिंग द रूस्ट इन दिल्ली तो इसमें आप देख रहे हैं कि रेफियंस में आर रूलिंग में आर एंड में भी आर ठीक है तो इस तरह के जब सेंटेंस बनते हैं तो इसको हम कहते हैं इसमें जो फिगर ऑफ़ स्पीच जिस अलंकार का इस्तेमाल हुआ कई सारे लगभग दस तरह के अलंकार होते हैं इसको हम बाद में आपसे एक अच्छे वीडियो से, से शेयर करेंगे तो दूसरा एक सेंटेंस आइए विचार करते हैं डेमंस ड्रिंक हैज़ डिभाटेड यू नो लाइव्स ऑफ मेनी ड्रंक डेमंस ड्रिंक मीन्स वाइन शराब डेमंस ड्रिंक हैज़ डिभाड क्लियर लाइव्स ऑफ मैनी ड्रंक कार्ड्स बहुत सारे शराबियों का घर इस डेमन ड्रिंक ने स्वाइन ने बर्बाद कर दिया है फिर से देखें डेमंस ड्रिंक हैज़ डिभाड लाइव्स ऑफ मैनी ड्रंक कार्ड्स एंड टर्न देम इंटू डेफ्टीचूड्स तो डेमंस ड्रिंक में डी ड्रिंक में डी फिर डिवास्टेटेड में डी फिर ड्रंक कार्ड्स में डी और फिर डेफ्टीच्यूट्स में भी डी तो डेमन ड्रिंक जैसा किसको कहते हैं डेमन ड्रिंक कहते हैं वाइन को लीकर को खास करके जो काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग हो ठीक है और खास करके जो डेफ्टीच्यूट्स किसको कहते हैं तो डेफ्टीच्यूट का मतलब होता है अभावग्रस्त ठीक है पुअर ठीक है उसको कहते हैं डेफ्टीच्यूट्स तो सही कहा है कि डेम्स ड्रिंक हैज़ डिवास्टेटेड डिवास्टेड करना मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना ठीक है किसी चीज़ को किसी जगह को किसी आदमी को तो डेमस्ट्रिंक हैज़ डिवास्टेटेड लाइफ्स ऑफ मैनी ड्रंकार्ड्स ओके एंड टर्न देम इन टू डेफ्टीच्स क्लियर तो इसको हमने अभी देखा यह एक तरह से आप कहें कि ये एलिट्रेशन uh, का एग्जाम्पल हुआ तो आशा करते हैं कि अभी यह जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा अब हम थोड़ा सा आइए कुछ आपस में मजाक कर लें नाउ वेडेज यू नो पीपल आर ट्रेवलिंग बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं आई मीन सम पॉलिटिशियंस आर ट्रैवलिंग नॉट नॉट पीपुल इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिशियंस यू नो दे लव टू ट्रैवल बहुत सारे लोगों को यात्रा करने में अच्छा लगता है वो करते हैं तो इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा दार्शनिक जो है वो कह चुके हैं कि देयर इज़ मोर प्लेजर इन ट्रेवलिंग देन इन अराइविंग ठीक है देयर इज़ मोर प्लेजर इन ट्रैवलिंग देन इन अराइविंग ठीक है और लगता है कि इस बात को कुछ लोग समझ चुके हैं इसलिए आपको भी लगता होगा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं लेकिन वो कहीं ठीक से पहुंच नहीं रहे हैं सम पीपुल आर यू नो Some people keep traveling but they never arrive. Some people keep traveling but they never arrive. ठीक है कुछ लोगों के नियति में है कि वो खूब चलते हैं खूब यात्रा करते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते अपने डेस्टिनेशन पर ठीक और लास्ट में एक खास करके ठंड वाले सीजन को लेकर के कहा हुआ है कि नथिंग बर्न्स लाइक द कोल्ड I hope you have enjoyed this video and uh, kindly give your feedback to me. Thank you.